टू माई यूट्यूब चैनल स्टेप ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊं कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग। वो शॉपिंग किसके लिए जा रहे हैं, शॉपिंग किसके लिए कर रहे हैं, वो सब आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। सो चलिए पहले शॉपिंग चलते हैं। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब शॉपिंग करने। हम जा रहे हैं शाहदरा। सो इनसे मिलिए। ये है हमारी आंटी जी, लड़के की माँ। हेलो कर दीजिए। हाय। सो चलिए चलते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. सो गाइज, हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और मैं आपको दिखाऊं कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। देखिए, ये साड़ी लेके आए हैं। ठीक है, फर्स्ट ये है और दिखाती हूँ। तेरे से बोला था ना, ढेर सुना है। और ये वाला भी लाए हैं। अब किसके लिए लाए हैं वो भी मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। एक दो तीन और दिखाती हूँ। और ये ऐसा तीन है जैसा आप लोगों ने देखा होगा, तीन में है। और इसका जो दुपट्टा है वो सिल्क में बना के लुक दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के नहीं दिखा सकती, आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या होता है एक लड़की का यूज़ का चीज। और कर रही है और आपको दिखाओ, एक चूड़ा भी लाई हुई है। चूड़ा कैसा है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे।
तो गाइस अब मैं बता दूं कि ये सारी तैयारी किस चीज़ की चल रही है। तो जो एक मेरे देवर हैं जिनसे मैंने कल आपको मिलाया था, उनकी हो रही है शादी, होने वाली है, उनके लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं और उसी लिए, उस लड़की के लिए ये सब चीज़ है। तो अभी कुछ लेना है, शाम को जाएंगे ज्वेलरी लेने, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे। देखिए जेवर महल आए हैं ज्वेलरी लेने, चलिए देखते हैं आगे, चलते हैं अंदर। तो मैं घर आ चुकी हूँ और आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ जेवर महल से। तो आप देख सकते हैं ये रिंग लड़की के लिए, ये रिंग ये शायद से लड़का पहनाएंगे, मतलब जो मेरे देवर हैं वो उनको पहनाएं, ये पूरा कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ, देखाऊंगी आगे। और सेकंड जो है ये इयररिंग, सुंदर है। सो गाइस मैं आपको बताऊं कि ये ज्वेलरी हम कहाँ से लेके आए हैं। तो ये हम जेवर महल से लेके आए हैं, प्रीत विहार में है। और जो साड़ियों का शॉपिंग हुआ था वो सहादरा से हुआ था, वो तो मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया भी होगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये आंटी जी कौन है और ये जो मेरे देवर है वो कौन है। तो गाइज़ मैं आपको बताऊं कि जो मेरी ससुराल की फैमिली है वो जॉइंट फैमिली है, तो जिसमें से मेरे ससुर जी चार भाई हैं। तो सबसे बड़े मेरे ससुर हैं और उनके दो बेटे, मतलब तीन जो हैं मेरे ससुर सबसे बड़े, इनके दो बेटे, सबसे बड़ी मैं हूँ। और जो मेरे सगे देवर हैं उनकी शादी हो चुकी है 2 साल पहले। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आंटी जी हैं, अंकल जी हैं। तो जी ये अंकल जी की लड़के की शादी होने वाली है, उनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। उसके बाद मेरे दो और ससुर हैं, उनके भी जो मेरे थर्ड ससुर हैं उनके भी दो लड़के हैं। और जो फोर्थ हैं सबसे छोटे वाले, उनके एक छोटे लड़के और एक लड़की हैं। सो इतना चीज़ आप लोगों का क्लियर हो चुका हो कि ये जो शॉपिंग है वो हम किसके लिए कर रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं कि जो ये मेरी आंटी जी हैं वो यहाँ नहीं रहती हैं, वो भिवाड़ी में रहती हैं। यस, और जहाँ जो जिस लड़की को हम देखने जा रहे हैं, जिसका रोका करने जा रहे हैं, वो भी भिवाड़ी में ही रहती है। तो और ये रोका कब है, कब हम देखने जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि मंडे को हम जाएंगे। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहें और वो भी देखें। सो गाइज प्लीज़ अगर ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा।